हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रियलिस्टिक बियर्ड ड्रॉ करना बताऊंगी। मैंने ग्रिड मेथड यूज करते हुए आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है और आज मैं सिर्फ बियर्ड ड्रॉ करना बताऊंगी, सो बाकी फेशियल फीचर को फोकस नहीं किया। मेरे आने वाले वीडियो में मैं बाकी फेशियल फीचर्स को ड्रॉ करके आपको बताऊंगी। सो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। बियर्ड के हेयर थोड़े से कर्ली होते हैं, सो थोड़ा सा कर्ल करते हुए बियर्ड ड्रॉ कर लें, जैसे मैं कर रही हूँ। गालों के पास जो लाइन ड्रॉ है उसे लाइटली नीडेड इरेजर की हेल्प से इरेज कर लें, क्योंकि वहां से बियर्ड स्टार्ट होता है। सो हेयर ड्रॉ कर लें, अगर लाइन रहेगा तो वो अननेचुरल दिखेगा। सो अनइवन हेयर्स बनाते हुए आप अपना बियर्ड ड्रॉ कर लें, जस्ट लाइक मी। जॉ लाइन के पास जो बियर्ड हेयर्स हैं वो थोड़े फोल्डेड हैं, सो रेफरेंस को देखते हुए जॉ लाइन बियर्ड को फोल्ड करते हुए ड्रॉ कर लें। मैंने यहाँ बी पेंसिल से बियर्ड का फर्स्ट लेयर ड्रॉ कर रही हूँ। हमेशा फर्स्ट लेयर लाइट सेट पेंसिल से अप्लाई करें ताकि आपका ड्राइंग रियलिस्टिक दिखे। बी पेंसिल से आप मुस्टैच पे भी फर्स्ट लेयर अप्लाई कर लें। फिर ब्रश से अच्छी तरह से बेस लेयर को ब्लेंड कर लें। रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए बेस लेयर इम्पोर्टेंट होता है और उसका ब्लेंडिंग भी इम्पोर्टेंट होता है। फिर से बी पेंसिल पे थोड़ा प्रेशर देते हुए बियर्ड पे सेकेंड लेयर अप्लाई कर लेंगे। सेकेंड लेयर अप्लाई करने के बाद 3B पेंसिल से डार्कर शेड अप्लाई कर लें, रेफरेंस को फॉलो करते हुए। जहां थोड़ा डार्क वैल्यू है वहां थोड़ा थोड़ा पेंसिल पे प्रेशर अप्लाई करते हुए बियर्ड शेड कर लें। रेफरेंस को क्लोजली देखते हुए डार्कर वैल्यू अप्लाई कर लें। अब 4B पेंसिल से डार्कर वैल्यू अप्लाई कर लें। मेरे रेफरेंस में जॉ लाइन के पास जो एरिया है वो थोड़ा डार्क है, सो मैं वहां पे डार्कर शेड अप्लाई कर लूंगी। मैं इस ड्राइंग के लिए टॉम्बो मोनो का ग्राफाइट पेंसिल यूज की हूँ। आप कोई भी पेंसिल यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं कि आप भी यही पेंसिल यूज करें। और ज्यादा डार्कर वैल्यू देने के लिए मैं यहाँ स्टेडलर का डबल ई पेंसिल यूज की हूँ, क्योंकि मेरे पास इस 6B पेंसिल जो टॉम्बो का है वो अभी अवेलेबल नहीं है, सो मैंने स्टेडलर यूज कर लिया। डार्कर वैल्यू को ब्रश से थोड़ा सा ब्लेंड कर लें, ज्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा सा। अब इरेजर पेंसिल या टॉम्बो मोनो 0 इरेजर से हाईलाइट अप्लाई कर लें,
रेफरेंस को फॉलो करते हुए। फिर 4B पेंसिल से वहां थोड़ा थोड़ा शेड कर लें ताकि हाईलाइट एनहांस हो जाए। मेरे रेफरेंस में शार्प हाइलाइटेड वियर्ड हेयर्स हैं, सो उस हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ व्हाइट जेल पेन यूज कर रही हूँ। शार्प हाइलाइटेड हेयर्स बनाने के बाद बी या 2B पेंसिल से डिटेल सेट कर लें रेफरेंस को देखते हुए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।